गवर्नमेंट चाहती है कि जी टूरिज्म बूस्ट हो लोकल इकोनमी बूस्ट हो उसको करने के लिए अगर वो जाके लोकल लोगों को पंजाबी कढ़ाई टिक्का बनाने की ट्रेनिंग देंगे तो मतलब दैट डजन रियली वर्क विद दी ऑब्जेक्टिव हमारे इलाकों में पिछले दफ़ा एक मिलियन टूरिस्ट आए तो हर कोई अपने कार से बाहर कचरा फेंकता है अब लोकल लोगों की बहुत सारी आदत बन गई कि वो चीज़ें फेंकना शुरू किया अब के टू पे बेस कैंप पे जाए सिक्स टन कचरा पिछले साल सिर्फ दो महीने में वहां से जनरेट हुआ और फिर पता नहीं वो लात के लोग ले आए फिर उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतजाम नहीं है तो वो लाके दरिया में डाल देंगे फिर दोबारा दरिया को आपने टॉक्सिक किया एक जगह से आपने उठा लिया दूसरी जगह आपने उसको फेंक दिया असल अगर हमजा में जाए तो इतने बड़े होटल्स बने जी जिस तरह न सिर्फ वो पानी का इस्तेमाल करते बल्कि पानी को कंटामिनेट भी करें जो आपका अतवाबाद झील के साथ पूरा वो है उनका वाटर जो उनका सारा स्विच बनता है वो सारी चीज़ें बनती हैं। उनके लिए कोई डिस्चार्ज का प्रॉपर साइंटिफिक इंतज़ाम नहीं है। जब आप इतने सारे पानी कंटेमिनेट करते हैं कोई आपसे नहीं पूछता है, तो मेरा हाथ धोने से मुझे धोना चाहिए वो जो लार्जर इनजस्टिस हैं उनको नहीं देख ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो लोगों को वाटर मैनेजमेंट के असूल ख़ुद ही उन्होंने वजह किए थे किसी ने बाहर से आके उनको समझाया नहीं था मस अभी जो हंजा है स्करदू है जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाते हैं गजर साइट है यहाँ पे लोगों ने अपने गाँव को आबाद करने के लिए वाटर चैनल्स बनाए थे और उन वाटर चैनल्स का इस्तेमाल जो है वो ख़ास आबादी के लिए ही था क्योंकि बिकॉज देर आर सर्टन नंबर ऑफ पीपल वांटेड टू यूज़ तो यूजर्स थे अब सारे होटल्स सारे जो जितने भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री आ रही वो सारे वहीं पानी इस्तेमाल करती है तो पानी का क्राइसिस तो अल्टीमेटली आ गया वी आर ऑपरेटिंग और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने हर चीज़ को कर दिया है इकोनॉमिक्स के साथ हर चीज़ को इक्वेट कर दिया है मनी के साथ हम जब हर चीज़ को कैपिटल के साथ मनी के साथ इक्वेट करने जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे पास जो और अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल सकते हैं या जो अल्टरनेटिव सोलूशनस विच आर प्रजेंट इन द लोकल विजडम इन दीज एरियाज़ उनको हम लोग जो है वह फिर इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि डिवेलपमेंट तो बस एक ही तरीके से होगी और वो ये है आप चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं ग्लोबली आ, आपका एक आउटरीच है बेसिकली आप नदरलैंड में भी गालिबा पढ़ाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो विजिटिंग स्कॉलर हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है यूरोप के हवाले से भी आपका एक, एक ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेंड्स है इंटर पर्टिकुलर डेवलपमेंट और इन्वामेंट का आपस का जो लिंक है या फिर इन्वामेंट और पावर्टी का लिंक बहुत बड़ा अभी नेक्सस बनता हुआ नज़र आ रहा है उस हवाले से उन एरियाज़ में जैसे हमारे एरियास हैं गिलगित बल्तिस्तान पे यहाँ पे जो इम्पेक्ट होगा फ्यूचर में क्या समझते हैं कितना बड़ा हो सकता है इन पर्टिकुलर वन यू टॉक अबाउट दिस इन्टल डिग्रेडेशन दस गोइंग ऑन जी बिल्कुल आई थिंक uh, इसके अंदर हमें कुछ uh, पहलुओं को देखना तो पड़ेगा जो गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासकर हमारा जो हिंदू कुशमलाया रीजन है जिसको जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ के प्रेशर्स हम देख रहे हैं इस वक्त इन्वायरमेंट के ऊपर Uh, उनमें एक तो आपका सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट है उसके अलावा हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हिंदकमिला पहाड़ियों का सिलसिला है जो कि एक यंग माउंटेन रेंज कन्सिडर होती है okay. और यंग माउंटेन रेंज कन्सडर होने का मतलब यह है कि यह अभी ग्रो कर रही है इसलिए इसके अंदर आपको लैंड भी ज़्यादा मिलती है इसके अंदर आपको ग्लॉफ्स की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है तो अगर हम इसको जियोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो इट्स अ यंग माउंटेन एंड इट्स अ माउंटेन सिस्टम एंड इट्स अ वेरी फ्रैजाइल माउंटेन सिस्टम Okay. तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है और जब इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो वो एकदम से प्रोनाउंस हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इसके अलावा हमें जो एक और आ, फैक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब ख़ास कर ये है कि जो यहाँ पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से इन इलाक़ों के अंदर वेर प्रीवियसली कंसिडर्ड रिमोट वो अब काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट uh, होते जा रहे हैं हमारे साउथ ऑफ़ द कंट्री के साथ जिसका मतलब यह है कि ट्रैफिक हमारी टू वे बढ़ गई है mm. सिर्फ लोगों का नीचे आने का सिलसिला नहीं है बल्कि लोगों का ऊपर जाने का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है और uh, इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि uh, सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं है बल्कि मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड जो सारी हमारी आई वुड से डेवलपमेंट पैराडाइम है mm. वो सारा हमारा शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है तो इम्पैक्ट्स uh, काफ़ी इसके ह्यूज uh, होंगे जो हमें नज़र आ रहे हैं खासकर कुछ इलाके हैं जिनके अंदर एक्सेसिबिलिटी uh, ज़्यादा है वहाँ में ऑलरेडी नज़र आ रहा है हन्जा का खासकर कि किस तरह से वहाँ पे बहुत स्पीडी डेवलपमेंट हो रही है और उसकी वजह से जो वहाँ के इलाकाई लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स कि वहाँ पर पानी कितना है लोगों के लिए बिजली कितनी है नहीं है और ये सिर्फ हन्सा में नहीं है चीज़ें आपको स्कर्दों में भी नज़र आएंगी कि ये प्रॉब्लम आपको जो ज़्यादा अर्बनाइज़्ड एरियाज़ हैं इन द माउंटेन वैलीज़ वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम्स नजर आएँगे तो ये प्रॉब्लम्स uh, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ हमारी जो डेवलपमेंट का आई वुड से ऑब्जेक्टिव है वो कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको जो uh, एक आई वुड से पाथवे मिल रहा है वो उसको पकड़ के और डेवलपमेंट hmm. कर रहा है एंड आई वुड ऑल्सो से दैट टूरिज़म इज़ इन अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज़ ऑलसो प्लेंग इन इन दिस होल गेम और टूरिज़म uh, की जो बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट पिछले तीन चार सालों में बढ़ी है hmm. उसकी वजह से इन uh, जो डिवेलपमेंट है उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई उसका इम्पैक्ट भी फिर लाइक वाइज बहुत ज़्यादा होगा ख़ास कर जो अभी जैसे आपने फरमाया कि ये जो एक तेज़ी से शिफ्ट आ रहा है एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं डेवलपमेंट थिंकिंग में भी आई थिंक मोस्टली कमर्शियल इंटेंट आ रहा है डेवलपमेंट कम ही आ रहा है बिकॉज वी सी दैट होटल्स भी बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन का एक पूरा सिलसिला है एंड देन वी डोंट सी एनीथिंग थिंग अबाउट इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट एक्कोलॉजिकल कंसीडरेशन तो बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता हालांकि जो फ्रीचाइल एरियाज़ हैं ग्लोबली आपने देखा होगा कि उनके लिए स्ट्रिक्ट और स्ट्रेंजेंट जो है रूल्स होने चाहिए बिल्डिंग के हवाले से इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो रिसोर्स हमारे पास हैं जो वाटर वाटर रिसोर्स हैं उनके ऊपर जो इम्पेक्ट आ रहा है डिप्लेशन ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है बहुत सारी चीज़ें मेल्टिंग हो रही है mm -hmm. तो आई डोंट नो हाउ 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 डज दिस हैपन व्हेन वन पीपल सी ये सडन चेंजेस आ रही है, तो गवर्नेंस कहाँ है गवर्नेंस वाई वी डोंट I hmm. think understand why governance governance is not working in these areas. special framework तो Absolutely. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं uh, Special governance का framework होना चाहिए यहाँ पे development को regulate करने की ज़रूरत है hmm. I think Pakistan में खासकर हमारा अलमिया ये है कि uh, हमने एक ही तरीक़े की development देखी है हमें लगता है कि अगर बिल्डिंग्स बन गई हैं और स्मूथ सड़कें बन गई हैं तो हमारी डिवेल्पमेंट हो गई है तो वो डिवेलपमेंट के ऑप्टिक्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि असल डेवलपमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं और हर इलाके के लिए वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है हमें मुख्तलि इलाकों के लिए मुख्तफ़ किस्म के इकदाम लेने पड़ेंगे ताकि हम उन इलाकों के अंदर कॉन्टेक्स रिस्पॉन्सिव सोल्यूशन दे सकें सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आई वुड से हमारी गवर्नेंस uh, सिस्टम्स नहीं समझ पाते या फिर उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो इस चीज़ को इम्पॉटेंस दें और इसके इर्द गिर्द इकदाम करें और इसके इर्द गिर्द कोई रेगूलेशन बनाएं और इन रेगोलेशन को फिर फॉलो भी किया जाए सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब देखें ना आपके मख्तल की सेक्टर्स से हैं लाइक वाटर इसकी रेगोलेशन और गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके यूज़ मैनेजमेंट का एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत है लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज किया जा सकता है उसके लिए लैंड डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हो सकते हैं Uh, अच्छा उसके अलावा जो आपकी माइनिंग है माइनिंग इज़ अ बिग सेक्टर माइनिंग में भी आप वर्ल्ड मौन, इंटरनेशनल माउंटेन डे की हम बात करें पहाड़ तो सारे लीज़ आउट हो चुके हैं ऑलमोस्ट तो पता नहीं हम क्या मना रहे हैं लेकिन वो जो पहाड़ हैं उनको आपने लीज़ आउट कर लिया विद आउट कि उन पहाड़ों की जो इंपॉर्टेंस है उस लोकल एकोलॉजी और इकोसिस्टम के साथ वो कितना कितना गहरा है उसको हमने तोड़ने की कोशिश बिज़नेस इंटेंट है अगेन इसी तरह टूरिज्म जैसे आपने फरमाया तो ये वो सेक्टर्स से, हैं एनर्जी एक सेक्टर है इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद होनी चाहिए यानी ऐसे गाइडलाइंस हों जो आ, आपके एक ओवरऑल इन्वामेंट और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो वो आई डोंट नो व्हेन यू गो टू द इंस्टीट्यूशंस द द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दो चीज़ें एक तो वेल की कमी है दूसरा कैपेसिटी uh, का भी इशू है uh,

और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने हर चीज़ को इक्वेट कर दिया है इकोनॉमिक्स के साथ हर चीज़ को इक्वेट कर दिया है मनी के साथ हर चीज़ को कैपिटल के साथ सो आई थिंक यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम जब हर चीज़ को कैपिटल के साथ मनी के साथ इक्वेट करने जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे पास जो और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल सकते हैं या जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशनस विच आर प्रजेंट इन द लोकल वजडम इन दीज एरियाज़ उनको हम लोग जो है वह फिर इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि डिवेलपमेंट तो बस एक ही तरीके से होगी और वो ये है एंड अनफर्चुनेटली uh, uh, यही एक सिस्टम है जो पाकिस्तान में आई से फ़रू पा रहा है काफ़ी अरसे से और ज़्यादा काम इसके ऊपर नहीं हुआ कि वो अल्टरनेटिव सिस्टम्स क्या होंगे जिसके अंदर आप कम्युनिटीज़ के विजडम को भी इम्पोर्टेंस दें आप इलाके को भी इम्पोर्टेंस दें और इन चीज़ों के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमेशा पैसे के साथ इक्वेट ना करें hmm. तो जब पैसे के साथ आप हर चीज़ को इक्वेट करने जाते हैं तो वहाँ पे वी सी दिस एक्सप्लोइटेशन एंड एंड दिस एक्सट्रैक्टिव मेकनिज्म हैपनिंग तो ये मेरा ख़्याल से एक वर्ल्ड uh, वाइड एक प्रॉब्लम है और आई uh, थिंक एक और चीज़ जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि रेगुलेशंस के साथ साथ हमें ग्रीन वॉशिंग से भी परहेज़ करना चाहिए बहुत ग्रीन वॉशिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट okay. है कि okay. आप uh, एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बना लेते हैं और उसके बाद आप कह देते हैं अच्छा हमने इसमें सोलर पैनल भी लगा दिया अब हमने इसमें ये भी कर दिया हमने इसके अंदर यू नो सोलर हीटर भी लगा दिया है सो देन यू नो यू सोट ऑफ से एक ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है कि hmm. आप सिर्फ़ ये टिक बॉक्स एक्सरसाइज करके आप अपने बिल्डिंग्स और को इसमें एक इसमें एक और बात मुझे याद आयी किसी बड़े होटल में मैं गया था मतलब अक्सर कहीं जाना होता है तो उसमें वो जो लिखा होता है कि यूज़ वाटर रिस्पांसिबली जो सारा पानी उन्होंने इस्तेमाल किया होता है यू नो ह्यूज

रहे जा रहे हैं तो हम किस एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आई कैन बेट के जो इन्वामेंट है वो सबसे लास्ट पे आता है या जो कम्युनिटी का भी कहना भी है भी। वो सबसे लास्ट पे आता है इट्स ऑलवेज के हमारी डेवलपमेंट या हमारा जो हम कैपिटल किस चीज़ में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में से बना सकते हैं उस चीज़ को हम सब हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस exactly. देते हैं ये जो कॉमन है ना देखिए ये ये भी ये भी, ये भी मसला भी तो है ना ये होटल्स वाले वाली मैंने बात की देखिए ठीक है ये सेंस होना चाहे लोगों में हाथ धोएं लेकिन जो पानी का इस्तेमाल मसल अगर हंजा में जाए तो इतने बड़े होटल्स बने जिस तरह न सिर्फ वो पानी का इस्तेमाल करते हैं बल्कि पानी को कंटामिनेट भी कर रहे हैं जो आपका अताबाद झील के साथ पूरा वो है उनका वाटर जो उनका सारा स्विच बनता है वो सारी चीज़ें बनती हैं उनके लिए कोई डिस्चार्ज का

तीन इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट को हायर कर लिया और आपने एक चेक लिस्ट बनाई कि भाई ये हमारा इन्वामेंटल फ्रेमवर्क है आपने प्रोजेक्ट हो तो आपने सिर्फ टिक करना है तो आपको सैलरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो नामिनल रिप्रेजेंटेशन ये भी बड़ा मसला है तो इन्वामेंट को किसी तरह से जब एड्रेस करना हो तो हम इन इस तरह के मुख्तलि हरबे इसमें आ जाते हैं तो कॉस्टिंग देख बजट तो होना चाहिए मतलब बजट का कोई इशू नहीं होता अगर आपने यू हैव टू टशन ना सर्टेन थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं अगर दस सालों के बाद पाकिस्तान में ड्राउट आता है खुश साली के अलावा फिर वाटर क्राइसिस शुरू होता है तो हाउ वुड वी टैकल दोस बिगर इश्यूज विच विल विच विल क्रिएट फूड इनसिक्योरिटी विच विल क्रिएट पावर्टी हंगर एंड एवरीथिंग उस पे तो हमारा इन चीजों पे हम देखते सस्टेनेबिलिटी तो यही है ना हम लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन पे सोचें हम देख प्रॉब्लम हमारा ये हम सस्टेनेबिलिटी नाम की सस्टेनेबिलिटी हम बस टैग लगा देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे सस्टेनेबिलिटी का और हमारा जो अक्सर काम होता है वो रिएक्टिव होता है hmm. प्रोएक्टिव कोई काम नहीं होता exactly. हम लोग फ्यूचर को सामने रखते हुए इलाके की डायनामिक्स को सामने रखते हुए वहाँ के चैलेंजेस को सामने रखते हुए तो कोई काम नहीं करते exactly. हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो आ, कबूल करने के लिए तैयार है exactly. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम लाए करता है हर लेवल पर वो आप टॉप लेवल पर भी देख लें वो बॉटम लेवल पर भी देख लें अगर एक ट्रेंड आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन करने का hmm तो वो जिसका हाथ पड़ेगा कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पे वो ले कर उसको बना लेगा बेशक उसको साल डेढ़ के बाद अंदाज़ा हो अपना घर बनाने के बाद कि ओहो ये तो सर्दियों में बहुत ठंडा है और ये गर्मियों में बहुत गर्म है लेकिन उस ट्रेंड के अंदर उसने भी वही ट्रेंड फॉलो करते हुए अपना घर बना लिया तो ऑल दो ये आपको आसानियाँ नज़र आती हैं लेकिन जो आई वुड से अगेन के जो लोकल एक तरीक़ा कार है किसी इलाके में जो कि सदियों से एक तरीका कंस्ट्रक्शन भी है बिल्कुल भी तो उनके अंदर कोई विजडम है और आई थिंक जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ने किया है उसने उन सब विजडम्स को जो है वो जैसे कहते हैं ना वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया है और एक वन मॉडल ले आए हैं कि जी सब Absolute इसको जो है इसके ऊपर हाँ। चलेंगे और सब डेवलप हो जाएंगे अगर इसके ऊपर चलेंगे तो हाँ बहुत ही टेरिबल ग्रोथ मॉडल है वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में दो लेवल का एक तो लोकल एक्शन की बात हम करते हैं तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस देखें तो लोगों को वाटर मैनेजमेंट के असूल ख़ुद ही उन्होंने वज़ किए थे किसी ने बाहर से आके उनको समझाया नहीं था मस अभी जो हन्जा है स्करदू है जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाते हैं गजर साइट है यहाँ पे लोगों ने अपने गाँव को आबाद करने के लिए वाटर चैनल्स बनाए थे और उन वाटर चैनल्स का इस्तेमाल जो है वो ख़ास आबादी के लिए ही था क्योंकि बिकॉज देर आर सर्टन नंबर ऑफ़ पीपल हु वांटेड टू यूज़ तो यूज़र्स थे अब सारे होटल्स सारे जो जितने भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री आ रही वो सारे वही पानी इस्तेमाल करती है तो पानी का क्राइसिस तो अल्टीमेटली आ गया बिकॉज वी डिन थिंक अबाउट कि लोगों को ये बताया गया कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपके घर आबाद होंगे आपके बच्चों को हम वेटर लगाएंगे पता नहीं होटल में काम करवाएंगे बट वन टुडे वी सी ऑल दैट डिजास्टर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है लोगों की ही तबाह हो मतलब आई थिंक किसी किसी भी किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा ये चीज़ सोचने की जरूरत है uh, कि उसमें रेमेडी कितनी और पॉइजन कितना है मैं तो ये बात कहती हूँ कि रेमेडी आप देखें कि वो प्रोजेक्ट कितनी कर रहा है और वो पॉइजन कितना इंजेक्ट कर रहा है hmm. अगर तो वो पॉइजन ज्यादा इंजेक्ट कर रहा है और रेमेडी उसके अंदर कम है या शॉर्ट टर्म है तो वी रियली नीड टू थिंक दो री थिंक दो आइडियाज़ अगैन एंड अगैन तो ये एक चीज़ है जिस जिस प्रोसेस को हम करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है हम बस कहते हैं कि प्रोजेक्ट हो खत्म हो कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल आए हैं अपनी किसी पोस्ट के ऊपर दे वांट टू क्विकली डू समथिंग शो के हमने बहुत सारा काम कर लिया और फिर अपना टेंड्यूज exactly. पूरा करके निकल गए।, गए और इन इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो हम कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते हम वो शॉर्ट टर्म के अंदर रहते हैं बिकॉज़ हमारा गवर्नेंस का सिस्टम ही बहुत वॉलेटाइल और शॉर्ट टर्म है और दूसरा जो है इन्वायरमेंट जो कि ख़ास इस वक्त मौजू बहस है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज अभी कॉप ट्वेंटी एट हो गया जिसमें पता नहीं ग्लोबल थूरिया डिस्कस हो गई आगे गए हाँ दुबई में फिर लोगों ने अपना टी डी ए भी बना लिया फिर लोग मिले भी आपस में नेटवर्किंग भी की अल्टीमेटली जब हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे तो एडाप्टशन गैप रिपोर्ट पिछली दफ़ा जब ये मंजर आम पर आई मेरे एक दो महीने पहले की बात है तो उसमें बताया गया कि दुनिया में अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एड्रेस करना है तो तकरीबन एक सौ सत्तर बिलियन डॉलर चाहिए सालाना और अभी जो कमिटमेंट है वो पच्चीस बिलियन डॉलर की है वो भी मर मरा के कुछ देते हैं कुछ मगरबी दुनिया जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जिन्होंने क्लाइमेट ख़राब किया है वहाँ से पैसे आने चाहिए उनको हैव टू पे बैक फॉर दी रेस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट और जो तबाहकारी हम आज देख रहे हैं हमारी भी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं हमारे गवर्नेंस के इशूज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन मोस्टली ग्लोबल फिनमिना भी तो है तो दोनों साइड पर मसला है यानी ग्लोबल अडाप्टशन रिपोर्ट ये बताता है अडाप्टशन गैप रिपोर्ट कि वी आर फार बिहड इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज इस बिग इशू तो दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं अभी पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो आपका मानसून का ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो रहा है आपका जो आ, जो जो प्रोडक्शन है जो क्रॉप पैटर्नस है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं तो ये वो सारे काम हैं जिसका इम्पेक्ट तो हमें ग्लोबल लेवल पर भी ये डिसकोर्स है लोकल लेवल पर तो है ही मतलब दोनों साइड पर बड़े मसाइल आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारा फोकस प्रॉब्लम्स uh, के ऊपर है uh, लेकिन जहाँ जिस लेवल के ऊपर हमारा फोकस सोलूशनस पे हो सकता है वो नहीं है तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आई थिंक आजकल की दुनिया में और ख़ास कर अभी जो हम मसले मसाइल देख रहे हैं वुड से कि अभी हम जो फलस्तीन का मसला देख रहे हैं उसके अंदर हमें वेस्टर्न हेपोक्रेसी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से सामने आई है हमारे और इस चीज़ को हमारी आंखें खोल देनी चाहिए कि वी शुड स्टॉप लुकिंग एट द वेस्ट फॉर सोल्यूशन राइट प्रॉब्लम्स भी उनके क्रिएट किए हुए हैं और uh, और हर चीज़ जो है वो फंडिंग के थ्रू सॉल्व नहीं होती हमें अपना जो स्लेवरी का माइंड सेट है इसको चेंज करने की hmm. ज़रूरत है वी हैव टू स्टॉप लुकिंग एट देश थिंक सॉरी मैं कंटिन्यू uh, कर लूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो लोकल लेवल के ऊपर हम काम कर सकते हैं वो इस वक्त बहुत इम्पॉटेंट है और हमारे पास बहुत पोटेंशियल भी है लोकल लेवल पे काम करने का क्योंकि जो लोकलाइज प्रॉब्लम है उनके कॉन्टेक्चुलाइज सॉल्यूशंस देने का Uh, जो इम्पोटेंस uh, है वो बहुत अच्छी है और उसमें ये है कि अगर आप किसी लोकल इलाके के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ के लोग उसके मसाइल को जानते भी हैं वही उसके सोलूशनस को भी जानते हैं तो थोड़ा सा अगर आप यू नो कलेब्रेशन करें बिटवीन साइंटिस्ट एंड लोकल कम्यूनिटीज़ एंड यू कम अप विद होलिस्टिक सोलूशनस के इलाकई मसायल को किस तरह से हल किया जा सकता है तो उसके ऊपर मेरा ख़्याल से सकता वक्त हमें पाकिस्तान में फ़ोकस करने की ज़रूरत है और इसी के अंडर हम लोगों ने uh, काफ़ी काम जो लाजवर्द uh, जो मेरा इदारा है हम लोग है। भी इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं हम लोगों ने बाय लॉज़ एंड गाइडलाइंस भी माउंटेन आर्किटेक्चर के लिए डिवेलप किए हैं है। और उनको हमने लोकल कम्यूनिटीज़ को साथ रख के डिवेलप किया है बिकॉज हमें ये नहीं लगता कि हम इस्लामाबाद में बैठ के गाइडलाइंस बनाएंगे और वो जाके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी वब तक आप इलाक़े को ठीक तरीके से जानेंगे नहीं वहाँ के मसाइल को नहीं जानेंगे और वहाँ के लोकल विजडम को आप स्टडी uh, नहीं करेंगे या उसको यू नो uh, you know, उसके अंदर नहीं डालेंगे तो वो हम प्रॉपर किस्म के सोलूशन जो है वो कभी भी डेवलप नहीं कर सकते तो आई थिंक ग्राउंडेड रिसर्च सिचुएटेड नॉलेज इनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की बिकॉज uh, इसमें एक और जो चीज़ है ना मसलन चलो ग्लोबल मसाइल क्लाइमेट जस्टिस की डिबेट अपनी जगह क्लाइमेट जस्टिस जो भी है लेकिन जब हम देखते हैं हमारे इलाकों में ए, पिछले दफ़ा एक मिलियन टूरिस्ट आए तो हर कोई अपने कार से बाहर कचरा फेंकता है अब लोकल लोगों की बहुत सारी आदत बन गई कि वो चीज़ें फेंकना शुरू किया अब के टू बेस कैंप पे जाए सिक्स टन कचरा पिछले साल सिर्फ दो महीने में वहाँ से जनरेट हुआ और फिर पता नहीं वो लात के लोग ले आए फिर उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है तो वो ला के दरिया में डाल देंगे फिर दोबारा दरिया को आपने टॉक्सिक किया एक जगह से आपने उठा लिया दूसरी जगह आपने उसको फेंक दिया तो ये जो मामला हैं ना ये तो लोकल लेवल पर हल होने वाले मामले हैं आप इसकी रेगोलेशन करें लोगों को समझाएं कि आपने अपना कचरा फेंकना नहीं है एक लॉ बनाएं मसलन टूर ऑपरेटर्स जो चाहते हैं पहाड़ों पे उनके उस पूरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उस टूर ऑपरेटर पे ये लाजम हो कि वो उस अनवामेंट के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखे और ना करें तो उस पर पे हैवी पेनल्टीज़ हो तो, तो, तो लोग ख़ुद ब खुद करेंगे तो ये तो हम लोकल कर सकते हैं मतलब बिल्कुल हम, और आई थिंक हम बिल्कुल लोकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोकल लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और लोकल गवर्नेंस के लेवल पर भी बहुत exactly. कुछ कर सकते हैं और आई थिंक इसके अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमियाँ है वो ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं हैं कि yes. हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट right पाथ्स जो हैं वो हम लोग लें hmm. तो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि जी टूरिज्म uh, बूस्ट हो लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो उसको करने के लिए अगर वो जाके लोकल लोगों को पंजाबी कढ़ाई टिक्का बनाने की ट्रेनिंग देंगे तो मतलब दैट डजन रियली वर्क विद दी ऑब्जेक्टिव अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोकल कम्यूनिटी और लोकल कल्चर को फ़रोग दें तो टूरिज़म hmm. तो उसके अंदर हमें ये तो नहीं करना चाहिए कि हम जाकर उनको पंजाबी टिक्का बोटी बनाने के तरीके तो दिल्ली में लाहौर में कहीं भी सो यू नो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है तो exactly. बेसिकली अगर गवर्नमेंट जा रही है उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने तो वो कैपेसिटी बिल्ड करना भी अच्छी बात है hmm. लोकल कम्युनिटी और उनके कल्चर को भी फ़रग देना अच्छी बात है लेकिन फिर ये उनका जो सोलूशन है जो तरीका है वो गलत है सो यू नो ये बहुत सारे हमें प्रॉब्लम नज़र आते हैं लोगों को बिल्कुल एजुकेट भी करना देखें एक एक मसला एक छोटा काम हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनिक मतलब एक लोकल लेवल का आर्किटेक्चर बनाएं होटल बड़े बनाने के बजाय जिसमें बिल्कुल लोकल मटेरियल इस्तेमाल हो वुड इस्तेमाल हो जो क्लाइमेट के हवाले से क्लाइमेट फ्रेंडली हो और फिर आप उस जगह पर थोड़ी सब्ज़ी उगाएं ऑर्गेनिक और, और लोग जो वहाँ रुकने आते हैं टूरिस्ट वो खुद जाएं पिक करें आके पकाएं ख़ुद एक्सपीरियंस करें आप लोकल रेसिपीज उनको समझाएं यू नो दिस कैन बी काइंड ऑफ लर्निंग कल्चर एज वेल लेकिन हमारा एक मसला ये भी है जो पंजाब से डाउन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं तो कढ़ाई खाना भी चाहते हैं मतलब वो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम है नो वी हैव टू एजुकेट मतलब ये एक ओवरऑल इशू है इस इसमें एजुकेट करना बहुत बिल्कुल आई थिंक इसमें एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये जो आप इससे पहली बात कर रहे थे कि लोकल मटेरियल्स में कंस्ट्रक्शन करें इसके अंदर मैंने लोकल कम्युनिटीज़ के साथ नॉर्थ में मुख्तफ वैलीज़ के अंदर काफ़ी काम किया है और उनका कहना ये है कि लोकल मटीरियल्स में कंस्ट्रक्शन करना महंगा भी हमें पड़ता है मुश्किल भी पड़ता है टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है तो आई थिंक उसके अंदर हमारा रोल ये बनता है कि वी कम अप विद समर काइंड प्रोटोटाइप ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें लोकल मटीरियल्स भी इस्तेमाल हो रहे हो लेकिन उसके अंदर आप इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन ना करें तो आई थिंक यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल्स को स्टेप इन करने की ज़रूरत है हमें सिर्फ अपना जो आई वुड से एज एन आर्किटेक्ट आई कैन स्पीक फॉर माई प्रोफेशन एंड से कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम दफ्तरों में बैठ के यू नो हाई फ्लाई साइंस के लिए हम लोग काम करें बट हमारा एक सोशल uh, और एक इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज़ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लेनेट कि हम लोग अपने इलाकों को अपने प्रोफेशन के थ्रू किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उसके अंदर आ, हम लोग कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जो कि मिलके इसकी कोशिश कर रहे हैं कुछ पिछले अरसे से हम लोगों ने माउंटेन आर्किटेक्चर गाइडलाइंस जिस तरह से मैंने आपको बताया डिवेलप mm -hmm. की हैं इन लाइन विद लोकल कम्युनिटीज के साथ बातचीत करके Very उनके पैटर्न nice. लैंग्वेज़ को स्टडी करके फिर हम लोगों ने रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियालॉजी के पी के साथ मिल के हम लोगों ने आ, कलाश के लिए बिल्डिंग बायोलॉज एंड कोड्स बनाए हैं फॉर द बिल्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ कलाश वैली क्योंकि वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम था कि काफ़ी ज़्यादा uh, टूरिज़म जो था वो शुरू हो रहा था और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू mm. हो गई थी तो उसको वहीं पर रोक के एक बहुत अच्छा स्टेप लिया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियालॉजी ने और हम लोगों ने फिर बेसिकली आई स्टेप्ट एज द टू डिवेलप दीज बिल्डिंग बायलॉज एंड कोद्स तो वो भी एक तरीका है तेरा ख़्याल से हमारे आ, प्रोफेशन को इन चीज़ों के अंदर स्टेप इन करने की ज़रूरत है और जहाँ हमें लग रहा है कि काम गलत हो रहा है हर प्रोजेक्ट जो है वो पैसे के लिए नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ें हमारी बनती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी hmm. जिन हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है तो लाइक वाइज़ आई वुड से कि हमें कम्यूनिटी uh, नॉलेज़स को इलाकई जो आई वुड से डायनामिक्स हैं उनको सामने रखते हुए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल अब इसमें एक और अब मैं अभी जब गुजर रहा था इस दफ़ा गिलगित बल्थान जाते हुए रास्ते से तो बहुत सारे इंसक्रप्शनस हैं जी ज़माने के यहाँ पे आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं दासू बाशाह डैम बन रहा है ये आपका बादशाह सॉरी जैमर बादशाह डैम बन रहा है फिर आगे और चीज़ें हो रही हैं तो वो जो इंस्क्रप्शनस हैं उसकी किसी को परवाह नहीं वो लोग उसको पत्थर समझते हैं और बहुत सारे पत्थर गिरा के ट्रकों में भर के मैंने देखा है लोग लेके जाते हैं ये। तो ये ये लेवल है मतलब इस दिस लेवल ऑफ इनसेंसिटिविटी है तो देखिए ये सारी वो चीज़ें जिस पे लोगों को बहरहाल हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ना वो समझाएँ और दूसरा जो बड़ा मसला है जो मुझे लगता है लोकल प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती क्योंकि लोकल गवर्नेंस ट्रक बिल्कुल ख़त्म है लोकल इलेक्शन किसी जमाने से नहीं हुआ लोकल प्लानिंग नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारा जो फोकस है सारी जो सारा पावर है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास है या डीसी के पास होता है हालांकि वो जो है एक डिवॉल्व स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए सो दैट प्लानिंग ये दुनिया भर में होता है जो अच्छे ममालिक हैं उनके पास तो एक अच्छी लोकल प्लानिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है काउंसल्स होती हैं बोरस होती हैं

और समहा हम कॉलानाइज एक मैं तो कहती हूँ हमारा एक कॉलोनाइज माइंड सैट है बहुत स्लेवरी hmm. वाला माइंड सैट ah, है भिल्कुल. और हमने कॉम बनने की कोशिश भी नहीं की है और हमारा बहुत ये जो इंडिविजुअलिस्टिक माइंड सैट है एंड इवन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो हमें मज़ीद इंडिविजुअलिस्टिक माइंड सैट की तरफ लेके जा रहे हैं जिधर हमें सिर्फ अपनी परवाह और हमें आ, अपने गेंद्स की परवाह है hmm. और हमें ये परवाह नहीं है कि हमारा इलाका या हमारे लोग या हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरीके से डिग्रेड uh, कर रही है बिकॉज ऑफ आर ओन सॉर्ट ऑफ मिस्टेक तो आई डू होल्ड द गवर्मेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में भी तो हम लोग ही हैं ना तो हाँ बेसिकली so हमें एज यू नो पीपल एज अ परसन एज अ सोसाइटी हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है हमें सेल्फ mm. रिफ्लेक्शन की ज़रूरत exactly. है आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन में सबसे इम्पॉटेंट बात यह है कि वट इज़ आर ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव mm. क्या है हमारा हदफ क्या है इस दुनिया में होने का और इन इलाकों में होने का और इनके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है मैं आई कुछ से आई यू नो आई एम अ मॉडर्न सब्जेक्ट और मेरी मर्ज़ी में जो भी करूं लेकिन जहां पर हम ये सोचेंगे कि मेरी मर्जी है मैं जो भी करूं वहां पर देन हम लोग हर बाकी हर चीज़ जो है उसको कमतर समझ रहे हैं अपने बिल्कुल exactly. है, हमारा प्रॉब्लम जो एलिट कैप्चर का भी है ना देखें हमारी हमारा सियासी निज़ाम हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारे इकानी इस तरह मुरतब की गई है कि येट इलीट, इलीट के लिए बहुत बेनिफिट होता है लेकिन जब ये इन्वायरमेंट तबाह होता ना, है ना लाहौर में फ़ोग है इस्लामाबाद में फोग बढ़ रहा है आ, आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ड्राउट होते तो हैं उसमें एट भी तो इम्पेक्ट होता है उसने भी सांस लेना है तो उनको भी ये समझना चाहिए कि नाउ इट इज़ टाइम टू कॉल कॉल फॉर बेटर बेटर इंक्लूसिव सोसाइटी ये हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हर किसी को इसका पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल बट आई वुड स्टिल से दैट वी नीड टू लुक एट आर सेल्व एंड आर ओन कैपेसिटीज और एन आर ओन मॉरल कम्पस एज वेल कि हम लोग जो कर सकते हैं हम वो जरूर करें hmm. और हम लोग रिलाई ना तो वेस्ट पे करें और ना तो हम रिलाई करें किसी भी पावरफुल सिस्टम के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है फेल होता हुआ क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं है अगर हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट या गवर्नेंस सिस्टम जो हैं वो काम नहीं कर रहे तो अगर हम उन्हीं का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम सब कुछ खो खो बैठेंगे सो आई डू बिलीव दैट यू नो देर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू मेरा ख्याल से एक फ़ायदा भी होता है जहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वहाँ फ़ायदा भी होता है ah. कि आप ख़ुद कोई ऑल्टरनेटिव सोलूशन निकाल के कोई Absolutely. अच्छा काम कर सकते हैं सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जि जिस वक्त हमें uh, अपने अंदर देखने की जरूरत है एंड वी नीड टू सी के हम क्या कर सकते हैं एंड आई थिंक देर इज अ लॉर ऑफ़ कैपेसिटी देर इज अ लॉर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड वी कैन स्टिल सेव आर सेल्व बट वी है mm. capacity, and, uh, हमें बाहर yeah. देखने की जरूरत नहीं है विद दिस वैसे मच बहुत अच्छा लगा आपसे फिर हमने